What's up my YouTube family, welcome back to my channel. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए अपडेट के साथ। इवन एक नहीं, दो अपडेट हैं आप सबके लिए। बॉलीवुड की लेटेस्ट दो अपडेट लेके आया हूँ मैं आप सबके लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम एनिमल की अपडेट पे। जी हाँ, एनिमल की अपडेट जो थी, इससे पहले जो अपडेट थी उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। नई अपडेट जो आई है, आप सबको पता है एनिमल का टीजर आ चुका है। फाइनली मैंने टीजर देख लिया है। मैं नहीं बताऊंगा। टीजर देखने के बाद ना मैं रियल अपनी जो फीलिंग बता रहा हूँ, जो रियल मैंने फीलिंग रियलाइज की है, वो फीलिंग बता रहा हूँ मैं, कि जितना मैंने एक्सपेक्टेशन मैंने रखी थी ना कि एनिमल का टीजर जो है वो बहुत धमाकेदार होने वाला है, जस्ट लाइक जवान की, जवान का जो टीजर है वो बहुत कमाल होगा, ऐसा कुछ हमने सोचा था, वाकई में हमें वैसा मिला था। एंड बिकॉज एनिमल जो मूवी आने वाली है वो भी बहुत बड़ी बॉलीवुड की मूवी है, वो भी 5-6 लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली है, तो मैंने भी सोचा था यही कि यार जो इसका ट्रेलर आएगा ना या टीजर जो भी आएगा पहला, वो बहुत अमेजिंग होगा। तो मैं यही सोच के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी मैंने। तो फाइनली जब टीजर आया, मैंने देखा, तो अंदर से ये फीलिंग आई कि यार जितनी एक्सपेक्टेशन थी ना वैसा टीजर नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीजर में सीन्स अच्छे नहीं हैं या टीजर में जो एक्शन दिखाया हुआ अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें जो सारे सीन्स दिखाए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, और साउंड उसमें जो म्यूजिक बैकग्राउंड साउंड दिया गया है ना, बहुत अम्यूजिंग है। कुछ तो बुरा ना कोई। टीजर में ना कुछ मिसिंग सा लग रहा है, मिसिंग सा लाइक ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत धमाकेदार टीजर में ऐसा कुछ नहीं था जैसा हमने सोचा था। एंड खैर कोई नहीं, जैसा आया वैसा। ये मेरा टीजर को लेके एक अपना ओपिनियन था जो मैंने बताया। बाकी टीजर मैंने देखा है, टीजर अमेजिंग है। स्टोरी ये टीजर की होने वाली है, रणवीर सिंह का जो पापा है, मतलब अनिल कपूर है, जो वो बहुत मतलब ऐसे बहुत रूड फादर होते हैं, एंड रणवीर कपूर अपने फादर से बहुत प्यार करता है। पहले सीधा होता है, देन वो बनता है एनिमल के रूप में आता है, जो भी है विलन के रूप में। उसमें जो स्टोरी दिखाई गई है कि वो अपने पापा के लिए ऐसा मतलब करता है, एंड रणवीर कपूर का जो इसमें लुक दिखाया हुआ है एंड एक्शन है, जो एक्टिंग है वो तो कमाल है। आप सबको पता है यार कि रणवीर सिंह की जो एक्टिंग है वो कमाल होती है, उसके लिए तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है पापा, उसको मिलना है, मारना है, आप निराश मत होना पापा। टीजर में थोड़ा सा ऐसा जो अंदर से ऐसा लग रहा था ना कि नहीं यार फुल नहीं है ये, इस वजह से नहीं है कि क्योंकि हमने ना सोचा था कि बहुत ज्यादा एक्शन से भरपूर होगा इसका टीजर वगैरह एंड ट्रेलर जो भी पहले आएगा। बात तो सही है, जो कि इतना ज्यादा इसमें ऐसा कुछ दिखाया नहीं, एंड बहुत ज्यादा इस स्टोरी को उसमें डिस्क्राइब भी ऐसा कुछ नहीं किया है कि पता लगे हमें कि बहुत अंदर की बातें कुछ पता लगे, तो इसलिए हमें थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। जो टीजर है उसमें रणवीर कपूर की एक्टिंग है, स्टोरी तो बहुत अच्छी है, एक्शंस भी बहुत अच्छे हैं। बाकी जो मूवी है, 1 दिसंबर को मूवी आने वाली है, मूवी देखने के बाद पता लगेगा कि हाँ। टीजर को देख के फीलिंग आई कि कुछ खाली सा लग रहा है, वो मूवी देखने के बाद वो खालीपन पूरा हो जाएगा। एंड इसमें जो फाइनली मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो मैंने अपडेट दी थी आपको, उसमें मैंने बताया था कि इस मूवी में बॉबी देओल भी होने वाले हैं। तो फाइनली इसमें बॉबी देओल का रोल दिखा दिया गया है, एंड बॉबी देओल ने यार अपनी बॉडी को क्या ट्रांसफॉर्म किया है यार, क्या कमाल है यार। मतलब बॉबी देओल जो जब मैं छोटा था ना, उस टाइम के वो लोग स्टार हैं, उस टाइम के मतलब वो लोग पीक पे चलने वाले स्टार लोग हैं, एंड अभी मैं इतना बड़ा हो गया, बच्चों से बड़ा हो गया, आज भी उन्होंने मतलब बीच में तो बिल्कुल गायब हो गए थे, अभी जो बॉलीवुड में कुछ हीरोज ऐसे हैं कि जैसे कि हमारे सुनील शेट्टी, हमारे मतलब बॉबी देओल, सनी देओल, ये सारे लोग जब से बैक एंट्री मारी है ना इन लोगों ने, भाई कमाल कर दिया इन्होंने, स्टेज पे धमाल मचा दिया, फाड़ दिया स्टेज को। इसमें बॉबी देओल का जो लुक है ना, कमाल दिखाया है यार, क्या बॉडी है भाई, क्या एक्सप्रेशन है भाई। अब दिखा रहे हैं ये लोग कि हाँ हम काम कर सकते हैं, रियल में एक्टर है। अब मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि हाँ बॉबी देओल तो मतलब इस समय ऐसे कि
कुछ एक्टर ऐसे हैं जो अभी इस टाइम के जो नए एक्टर हैं वो उनको भी बॉबी देओल पीछे छोड़ चुके हैं अपनी एक्टिंग से, अपनी बॉडी से, अपनी पर्सनैलिटी से। मैं नहीं मानता। एंड जो सेकेंड अपडेट है वो मैं आप सबको बता दूं, आप सबको पता है कि भाईजान की आने वाली मूवी टाइगर 3 की डेट अनाउंस कर दी गई है। टाइगर की तरफ से मैसेज आप सबको दे दिया गया है। अगर आप सबने मैसेज टाइगर का देख लिया है तो आप सबको पता होगा, अगर नहीं देखा है तो टाइगर का मैसेज जाके एक बार देखो ताकि आपको पता लग सके कि भाई जो टाइगर 3 आने वाली है ना, रियल में सलमान खान ने उसमें मेहनत और हार्डवर्क किया है, लिटरली किया है। ये मुझे दिख रहा है उस टीजर कर लो या डेट अनाउंस समझ लो, जो भी उसको समझ लो, मैं तो टीजर ही बोलूँगा क्योंकि टीजर ही है वो। एंड उसमें जो सलमान खान का जो भाईजान का जो उसमें वो है ना एक्टिंग, उसमें जो देखो आप उसमें देखोगे ना, सलमान खान का जो फेस दिखाया है और उसमें सलमान खान की जो एक्टिंग दिखाई है, उसको देख के ऐसा फील होगा, रियलाइज होगा कि भाईजान ने भाई हार्डवर्क किया है इस मूवी के लिए। भाईजान को अब एक चीज जरूर पता लग गई है कि भाई बॉलीवुड में अगर रहना है, फिर से अपनी इज्जत बचानी है या बॉलीवुड की इज्जत बचानी है तो काम तो करना पड़ेगा भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाईजान ने ना हार्डवर्क किया है, मजा आया भाई। मतलब शाहरुख खान और सलमान खान में दोनों में कॉम्पिटिशन चल रहा है इस समय भाई कि हम फाड़ देंगे इस बार, तू मुझसे कॉम्पिटिशन कर ले, मैं तो उससे कर लेता हूँ, तो ये चल रहा है। और इससे हमें फायदा हो रहा है क्योंकि हमें बढ़िया बढ़िया मूवी देखने को मिल रही है। टाइगर 3 में ना ये वाला सीन जो है ना, कमाल है भाई। इसमें जो सलमान खान की जो इसमें मतलब एक्टिविटी और शॉट्स जो दिखाए ना, ये ऐसा लग रहा है कि पबजी वाला सीन लग रहा है। और अमेजिंग, बहुत मतलब मजा आ रहा है यार, ऐसा लग रहा है पबजी वाला सीन को मूवी में उतार दिया गया है। एंड कमाल, क्योंकि जगह चूज जो की है भाई, क्या कमाल है, मजा है। मतलब टाइगर 3 का जो टीजर आया है ना, उसको देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हो गया कि जो टाइगर 3 मूवी आने वाली है ना भाई, वो कमाल होने वाली है। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि क्या होने वाला है उस मूवी में। एंड उस मूवी की भी स्टोरी जहाँ तक मैंने रियलाइज की है, मुझे पता लगा है देखने के बाद, समझ में आया। मैं बताऊँ ऐसा क्या है कि टाइगर 20 साल से इंडिया के लिए काम कर रहा है। एंड इंडिया ने उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया है और उसको इस बात का बहुत दुख है। तो वो इंडियन गवर्नमेंट से ये चाहता है कि मैं काम तो कर रहा हूँ इंडिया के लिए, काम मैंने कभी नहीं रोका, अपने इंडिया की हिफाजत हमेशा कर रहा हूँ। एंड मैं इंडिया से एक सर्टिफिकेट मांगना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जब मेरा बच्चा बड़ा होगा, इसमें टाइगर का बेटा दिखाया हुआ है भाई, छोटा टाइगर, लिटिल टाइगर दिखाया हुआ है। तो वो भाईजान उसमें यही बोल रहे हैं टाइगर कि इंडिया से मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए जिस मेरा बच्चा जब बड़ा हो तो उसको ये लोग ना कहें कि उसका बाप टेररिस्ट था। उस मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए ताकि उसको ये पता लगे कि मेरा बाप एक आतंकवादी नहीं, एक देशभक्त था। तो टाइगर की ये इंडिया से मांग होती है, बाकी वो मूवी देखने के बाद पता लगेगा कि क्या पूरी स्टोरी क्या है। तो ये थी बॉलीवुड की कुछ नई अपडेट्स जो अब तक मैंने पहुंचाया है। और आप जाओ चेकआउट करो, अगर एनिमल का टीज़र अगर अभी आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखो, टाइगर 3 का टीज़र नहीं देखा है तो जाके देखो, और अमेजिंग टीज़र है, एंजॉय करो। एंड मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगती है, जैसे मैं हर वीडियो पे अपना ओपिनियन, अपना रिव्यू देता हूँ, वैसे ही आप मेरी वीडियो पे आपका ओपिनियन, आपका जो रिव्यू है वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताओ। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ताकि मैं आप सबके लिए अच्छी अच्छी जो भी बॉलीवुड की अपडेट्स आती हैं वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। एंड आपको इन चीज़ों से बिल्कुल अपडेट रख सकूँ, आप अपडेट रहो कि हाँ जो भी बॉलीवुड में नया चल रहा है वो बिल्कुल आने वाला है। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो दोस्तों तक ताकि उनको भी ये अपडेट पता लग सके। एंड लाइक करो एंड कमेंट्स तो ज़रूर करना। एंड अपना ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखो। और हाँ, अगर ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हो तो प्लीज़ फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को चेकआउट करें, बहुत सारी वीडियो एंजॉय करें। बाय, टेक केयर।